हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा इन्वर्टर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा दो मोटर को। यहाँ पर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ दो मोटर का यूज़ करके आज हम एक इन्वर्टर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जो हमें हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो इन्हीं दो मोटर के जरिए मैं 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करूँगा। फिर उस 12 वोल्ट एसी को मैं इस ट्रांसफार्मर के जरिए 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए मैं कैसे इसको बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको कुछ ही पता नहीं चलेगा, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा कैसे मैं सिर्फ दोनों मोटर को यूज़ करके एक इन्वर्टर बना सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम मोटर को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें लेना होगा इस तरह का एक मोटर जिसका शाफ्ट थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। अगर आपके पास ये बड़ा शाफ्ट वाला मोटर नहीं है तो यहाँ पर आप छोटे शाफ्ट वाला दो मोटर ले सकते हो। कैसे लोगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो मोटर है इसे हमें खोलना होगा, इसका कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं। तो इसके साइड में दो लॉक होता है, उसको थोड़ा उठा करके आप इसको खोल सकते हो। दोस्तों, इसको मैंने खोल लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो कार्बन ब्रश हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक रोटर है और दो साइड में कुछ मैग्नेट है, ठीक है। तो हमें इस मैग्नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो हमें चाहिए इस रोटर की, ठीक है। तो इस रोटर पर जो वाइंडिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर वाइंडिंग लगा हुआ था। मैंने इसको जब टेस्ट कर रहा था तो वाइंडिंग को मैंने काट लिया था। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो भी जितना भी वाइंडिंग है उस सारे को काट लेना है, ठीक है। काटने के बाद ये जो कम्यूटेटर है इसको आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो इस रोटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए इस कम्यूटेटर की, जो आप देख रहे हो इसकी हमें चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको जो दूसरा वाला जो मोटर है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। मोटर का जो बॉडी है, मोटर का बॉडी और जो इसका जो शाफ्ट होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट करने के लिए मैं अपना बनाया हुआ एक मल्टीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है। इस मल्टीमीटर जरिए आप बहुत सारे कंपोनेंट चेक कर सकते हैं, और इस मल्टीमीटर का भी गिवअवे चल रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर आप जान सकते हो इसको आप कैसे बना सकते हो घर पर, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम एक को कनेक्ट कर देते हैं इसके बॉडी पर, सॉरी इसके शाफ्ट पर, और दूसरे को हम कनेक्ट करते हैं इसके बॉडी पर। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू शो कर रहा है, इसका मतलब शाफ्ट के साथ बॉडी का कुछ कनेक्शन है। दोस्तों, अभी मैं एक पीस, छोटा सा एक पीस वायर लेता हूँ, और इस वायर को यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर हमने लगाया था इसका यहाँ पर तीन टर्मिनल निकला हुआ है तीन साइड पर। तो आपको किसी एक साइड पर इस वायर को कनेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, अभी इस वायर को इसका जो शाफ्ट है मोटर का वहाँ पर हमें कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं इसके बॉडी के साथ अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। और दोस्तों, इसके बाद जो पुराना मोटर था उसका जो बैक साइड का जो कवर था जहाँ पर कुछ ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों ब्रश के अंदर हमें इस कम्यूटेटर को डाल देना है। तो ध्यान से डालेगा, नहीं तो जो ब्रश है ये बेंड हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो अभी ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये हमारा इन्वर्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। इन्वर्टर में क्या होता है, जो सप्लाई होता है वो ऑफ डाउन होता है, यानी कि ऑन होता है ऑफ होता है, वो अल्टरनेटिंग वेव में होता है, ठीक है। तो उसी तरह आज हम जो सप्लाई होता है उसको हम ऑन ऑफ करवाएंगे, ठीक है। इस मोटर में मैग्नेट है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के ऊपर अच्छे से यहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है, ये निकलेगा भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ जो कि सेंटर टेपेड है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सेंटर टेपेड ट्रांसफार्मर चाहिए। आप यहाँ पर 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर तक जितना चाहे आप यहाँ पर ले सकते हो। तो मेरे पास ज़्यादा एम्पीयर का नहीं था, तो इसलिए मैं 7.5 mA का यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, अभी शटडाउन चल रहा है जिसकी वजह से बाहर भी निकलना मुश्किल है। तो बड़ा ट्रांसफार्मर मेरे पास नहीं था सेंटर टेपेड का, तो इसलिए मैं छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये जो इसका जो दोनों का जो साइट है, ठीक है, दोनों साइड का जो दो टर्मिनल है इस ट्रांसफार्मर का, उन दोनों को हमें जो
मोटर का जो बैक साइड हमने लगाया था उसके दो टर्मिनल पर हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये रहा एक गया और ये दूसरा। इस मोटर को रन करवाने के लिए हमें चाहिए 5 वोल्ट, लेकिन हम यहाँ पर इनपुट देंगे कितना, 12 वोल्ट का। और इसको 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 7805 का एक वोल्टेज रेगुलेटिंग आई से, ठीक है। तो इसका ये इसका इनपुट वाला टर्मिनल है और ये बीच का एक कॉमन का ये है आउटपुट का, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट का टर्मिनल है इसको मैं मोटर पर किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देता हूँ। आप किसी भी टर्मिनल पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और अभी इसका जो कॉमन पॉइंट है मैं इसको मोटर के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी ये इसका इनपुट वाला टर्मिनल है। और दोस्तों अभी एक कट पीस वायर ले रहा हूँ जिसको इसके बॉडी से कनेक्ट करते हुए, बॉडी पर हम थोड़ा सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी से कनेक्ट करते हुए इसका जो नेगेटिव है यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर का जो मिडिल वाला टर्मिनल है इससे हमें पॉजिटिव इनपुट देना है, तो पॉजिटिव इनपुट हम यहाँ पर भी देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि दोनों का जो पॉजिटिव है वो एक हो जाए। और यहाँ से हमें आउटपुट लेना है तो यहाँ पर हम एक होल्डर को कनेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हम इसका लोड आउटपुट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में कुछ भी फेक नहीं है, ये रियल है, मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत होता है, तो भाई लाइक तो एक बनता ही है। और लाइक कमेंट करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक होल्डर को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए ये मेरे पास एक 9 वाट का एक LED बल्ब है, ठीक है। ये एक 9 वाट का है और ये 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इस बल्ब को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मैं यहाँ पर पावर सप्लाई दूंगा, ठीक है। यह 12 वोल्ट का सप्लाई है जो कि मैं इस बैटरी से ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं देता हूँ इसका पॉजिटिव और यहाँ पर देते हैं हम नेगेटिव का। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो ये जो लाइट है कितने अच्छे से यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस मोटर को यहाँ से निकाल लेता हूँ तो जो पावर का सप्लाई है बंद हो जाएगा, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इसको आप जब भी टेस्ट कर रहे हो तो ज़रा ध्यान से करिएगा, नहीं तो आपको ये शॉक लग सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर लेना ताकि वो भी इस तरह का इन्वर्टर घर पर बना सकें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, जहाँ पर हमने सीखा कैसे तो मोटर को हम यूज़ करके छोटा सा इन्वर्टर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए इसी तरह के नए नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।